عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم نبينا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. इस्लामी संघ नेपाल की जानिब से रोज़ा अरकान तरबती कुरान के आज की इस दूसरे दिन की पहली नशिस्त में मैं तमाम आज़ीज़ अराकीन भाइयों और बहनों का इस्तक़बाल और खैर मकदम करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल और करम से जिस तरह से पहले दिन के कुरान को हुस्न के साथ कामयाबी के साथ इख्तिताम फरमाया, उसी तरीके से आज भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम होगा और कल तक जब तक हमारा ये कुरान होता रहेगा अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से ये कुरान इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी से इम्तहान होगा और इसके असरात हम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुस्बत मरतब होंगे और यहाँ से लौट कर जाने के बाद हमने जो कुछ इस तरबियती कुरान में तरबियतगार में सीखा है, आपस में बातचीत करके अपनी तहरीकी सरगर्मियों का एक दूसरे से तबादला ख्याल करके जिन चीज़ों की मालूम हासिल की है, इन तमाम मालूम और इलमी आगही की बुनियाद पर अपनी अपनी जगहों पर जब हम लौट के जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे तहरीकी कामों में मेहनत लगेगा और हम अपने कामों को एक नए जोश उमंग और हौसले के साथ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अनायत करता है। आज इस पहली नशिस्त में मेरी जो गुफ्तगू है उसका उनवान जैसा कि बताया गया परिचय काम के भी उसका मफहूम और मेरा मतलूब क्या है, इस मौजू पे मैं अपनी गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा। दुनिया भर की जितनी तहरीकें हैं, तहरीक इस्लामी, उन सब का एक नस्बुल आयन है, वाज़ होता है और वो वाज़ नस्बुल आयन ये है कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर से बिना किसी कमी पेशी के कायम किया जाए और उसके क़याम की अनथक कोशिश की जाए और इस रास्ते में अपनी जान माल की सारी कुर्बानियाँ लगाई जाएँ ताकि हम जब अल्लाह के यहाँ जाएँ तो अल्लाह ताला हमारे इन कामों से खुश हो और हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, अल्लाह ताला हमारे कामों से राज़ी हो जाए। ये जो नस्बुल आयन है, इस नस्बुल आयन में जो बुनियादी बात है वो धरती पर अल्लाह की सरजमीन पर इकामत दीन, अल्लाह के दीन को कायम करना। इस सिलसिले में तहरीक इस्लामी के सारे अफराद जमात के रुकन होने से पहले इकामत दीन के मफहूम को शरह वस्त के साथ किताबों में, लिटरेचर्स में, कुरान के मुताले के ज़रिए से पढ़ करके समझ करके उसके बाद तहरीक में शामिल होते हैं। उसके बावजूद भी इस मौजू को शामिल किया गया है इस तरबियती कुरान में। उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग इकामत दीन के मफहूम को दोबारा से रिकॉर्ड कर लें, ताज़ा कर लें अपने जहन में, और जो अमल में कुछ धुंधलापन है, यानी जो शऊर में धुंधलापन आ जाता है तो अमल में भी धुंधलापन आ जाता है, कोताही हो जाती है, तो जब शऊरी तौर पर इस चीज़ को हम लोग फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर से समझ लेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अमल की कोताही से बच जाएंगे और हमारे अमल में तेज़ी आएगी, तेज़गामी आएगी इंशाअल्लाह। तो इकामत दीन के मफहूम को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इकामत दीन में दो अल्फाज हैं, एक है इकामत और एक है दीन। इकामत को अगर किसी ने आसान जुबान में कहना हो कि अकामा, तो अगर किसी दीवार को अकामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो तो दीवार खड़ी कर देना, सीधी कर देना, कोई लकड़ी है पड़ी हुई है तो उसको सीधा कर देना। लेकिन जब इसका मफहूम नमाज कायम करने के लिए, दीन कायम करने के लिए कुरान इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब ये होता है कि नमाज की ज़ाहरी और बातनी, उसके अरकान, फ़राइज़, वाजिबात, तमाम आदाब के साथ नमाज को मुकम्मल तौर से कायम करना। उसी तरीके से जब दीन के लिए कुरान में अल्लाह ताला इकामत दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो गोया कि दीन को बग़ैर किसी कमी बेशी के
मुकम्मल तौर से इस दीन को इस धरती पर नाफिज करना और गालिब करने की कोशिश करना। कुरान मजीद में बाज लोग बाहर से ये एतराज़ करते हैं कि तहरीक इस्लामी के लोग इकामत दीन की टर्मिनोलॉजी अपने मन से लेकर के आ गए हैं, या वो लोग अपनी मनमानी तावील और तशरीह किया करते हैं। तहरीक इस्लामी के मुरब्बीन ने और लिटरेचर के जो जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, मौलाना मोदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना असदुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से सैयद अबुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद अभी के बाद में आने वाले हमारे तहरीक इस्लामी के मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने, उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज से इकामत दीन के मफहूम को वाज़ेह किया है। कुरान मजीद में जहाँ पे इकामत दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसकी सूरह अशूरा की आयत है, तो वाज़ेह जिसमें ये लफ्ज़ इस लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई है, जैसा कि मैंने आपके सामने तिलावत की थी। शरअ लकुम मिनद दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। अल्लाह ताला ने दीन को वाजिब करार दिया है और इस बात को धरती पर कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वसीयत की, और इसी की वसीयत और इसी की तरतीब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई, और इसी बात की तलकीन हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा ईसा को की कि अन अकीमुद्दीन दीन को कायम करो, वला ततफर्रकू फी और आपस में कोई इख्तलाफ ना हो। ये कुरान मजीद की सूरह शूरा की आयत है जिससे ये टर्मिनोलॉजी इकामत दीन महफूज है, लिया गया है, तहरीक इस्लामी ने लिया है। इसलिए अगर कोई आदमी ये सवाल या एतराज़ करे कि आप लोग इकामत दीन का की इस्तेलाह या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो कुरान में इसकी कोई दलील है कि नहीं, तो ये सूरह शूरा की ये आयत दलील के तौर पर हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। इकामत दीन में अद्दीन का मफहूम थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हम लोगों को। इसकी तशरीह भी हमेशा हमारे प्रोग्रामों में की जाती है। दीन का मतलब होता है अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में या इससे पहले कुछ पिछली किताबों में तौरात ज़बूर इंजील और सुहफ इब्राहिम वगैरह में जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह ताला ने नाजिल किया है बताया है, वो पूरा का पूरा तरीक़ा इंसान की इंफरादी ज़िंदगी, इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी, इंसान की रूहानी ज़िंदगी, इंसान की मादी ज़िंदगी, इंसान की सियासी ज़िंदगी, इंसान की माशी ज़िंदगी, इंसान की माशरती ज़िंदगी और इंसान की आलमी क्या कहते हैं कि ताल्लुकात की ज़िंदगी, ये जो पूरा का पूरा इंसानी ज़िंदगी गुजारने के जितने मसाइल और वसाइल हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जो अल्लाह ताला ने गाइडलाइंस रहनुमाई फराहम की है वो किताबों में मौजूद है, और आखिर में कुरान मजीद में हतमी तौर पर ये गाइडलाइन हमेशा के लिए गाइडलाइन फराहम कर दी गई है। और ये जो रहनुमाई है इस रहनुमाई को मुकम्मल तौर से हमें अपनी ज़िंदगी में इंफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर आम मुसलमानों और फिर उससे वसी होकर के आम इंसानों तक इस पैगाम को पहुंचाना और कुरान के इस पैगाम को नाफिज करने की आखिरी दम तक कोशिश करना या इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा करके अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करना, ये दीन है और इकामत दीन है। कभी कभी ये तसव्वुर धुंधला हो जाता है लोगों के जहनों में, हमारे जहनों में भी कभी ये तसव्वुर धुंधला हो जाता है। वो क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि दीन का मतलब ये कोई धर्म है, कोई तरीका है जो सिर्फ इबादत पे निहित है, यानी सिर्फ इबादत करने का कुछ तरीका है, भक्ति का कोई तरीका है जिसे दीन कहा जाएगा। कभी ये कहा जाता है कि ये आस्था का कुछ तरीका है, यानी सिर्फ अकीदा और इबादत दोनों को मिला करके दीन मुकम्मल हो जाता है, और अगर कोई आदमी अल्लाह पर यकीन रखता है और नमाज रोज़े हज और ज़कात करके ये इबादत को मुकम्मल कर लेता है तो वो गोया कि दीन पर अमल करने वाला और दीन को कायम करने वाला कहलाएगा। लेकिन वहाँ एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर
अकीदा और इबादत ये दोनों चीज़ें मिलकर के दीन को मुकम्मल कर देती हैं, तो क्या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाजिल किया जिसका कोई हर्फ जायद नहीं है, जिसका कोई मफहूम जायद नहीं है और कोई बात अल्लाह ताला ने बेवजह नहीं नाजिल की है कुरान मजीद में, उसमें जो अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल फरमाए हैं, ताल्लुकात की बातें जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं, लोगों की माशरती ज़िंदगी के मसाइल, माशी ज़िंदगी के मसाइल, तो ताज़ीरात ये और इस तरीके के जो सारे अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाए, नऊज़ बिल्लाह, और 1000 बार हम अल्लाह की अयाज़ु बिल्लाह अल्लाह की पनाह मांगें, क्या ये शुऊर अगर किसी के दिमाग में आ जाए कि वो सारे अहकामात और वो बातें अल्लाह ताला ने यूँ ही नाजिल कर दी हैं, उनके नाफिज करने की, उन पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, या दीन में वो जायद हिस्सा है उसको दीन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये तसव्वुर किसी मुसलमान के दिमाग में बैठ जाए तो क्या इस तसव्वुर को हम लोग जायज़ तसव्वुर कहेंगे? ये तो अल्लाह ताला के ऊपर सरीहन बुहतान होगा, इल्ज़ाम होगा कि अल्लाह ताला अबस काम करता है, कोई बेकार काम अल्लाह ताला कोई करता है, और कुरान जैसी महकम किताब में वो जो फाइनल वर्जन है अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों की हिदायत के लिए, उस फाइनल वर्जन में अल्लाह ताला ने कोई नई बात, कोई बेकार की बात, कोई आदत बात अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी। तो ये बात दिमाग में हम लोगों के रहनी चाहिए कि कुरान मजीद में जितने भी अहकामात अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल हुए हैं वो सारे के सारे अहकामात अल्लाह के दीन का हिस्सा है, और उन तमाम चीज़ों पर अमल करना और अमल करना करवाना ये जमानत दीन है। इस हैसियत से बुनियादी तौर पर ये फ़लसफ़ा, ये शुऊर हमें अपने ज़हन दिमाग में रखना चाहिए। इकामत दीन के सिलसिले में 6-7 मोटी मोटी बुनियादी बातें जो इकामत दीन को समझाने के लिए, साबित करने के लिए लिटरेचर्स में चीज़ें वाज़े की गई हैं, और सारी चीज़ें कुरान मजीद की दलील से ही समझा दी गई हैं। नंबर एक, पहली बुनियादी बात ये कि इकामत दीन यानी दीन को पूरे के पूरे तमाम अहकाम के साथ अल्लाह की जानिब से नाजिल करता कुरान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह करता तमाम मफहूम को मुकम्मल तौर से इस धरती पर नाफिज करना ये इकामत दीन है। उसमें इबादत भी है, उसमें मामलात भी हैं, उसमें इंफरादी ज़िंदगी है, उसमें रूहानी ज़िंदगी है, उसमें मादी ज़िंदगी है, उसमें सियासी ज़िंदगी है, उसमें माशी ज़िंदगी है, उसमें माशरती ज़िंदगी है, इन सारी चीज़ों को अल्लाह की धरती पर और कुरान की और सुन्नत के मुताबिक नाफिज करना ये इकामत है। और इस सिलसिले में ये ज़िम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज है, ये ज़िम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, इस फरीज़े को अंजाम देना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इस बात का शुऊर और इदराक हमें होना चाहिए, इस ज़िम्मेदारी की फ़र्ज़ियत से मुतालिक और इस ज़िम्मेदारी की अहमियत से मुतालिक जो दलायल हैं उनमें से सबसे पहली दलील तो वही है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा करने की जब पैदा करने का इरादा फरमाया तो वो जो पूरी एक तफसील है सूरह अल-बकरा में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइस्ताल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब तुम्हारे रब ने ये कहा कि मैं अपना एक नायब बनाने जा रहा हूँ, तो ये जो खलीफा है उस खलीफा के तसव्वुर से ये बात साबित होती है कि खलीफा वो होगा जो अल्लाह ताला यानी जिसका खलीफा बनाया गया यानी अल्लाह ताला उसके नायब होने की हैसियत से इस धरती पर उसके तमाम अहकाम और फरामीन को नाफिज करने वाला होगा। इस हैसियत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो पूरी नस्ल इंसानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान रखती है और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम पर ईमान रखने वाली नस्ल है वो तमाम के तमाम लोग मुसलमान हैं हर ज़माने में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और क़यामत तक आने वाली वो सारी पूरी की पूरी वो उम्मत उम्मत मुस्लिमा है, जिसको कुरान मजीद में कहा है कि हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इससे पहले भी और किताब में भी जो लोग भी उस फरमान को मानते हैं उस फरमान के मानने की हैसियत से वो मुसलमान हैं और वो अल्लाह के नायब और खलीफा हैं धरती पर, और अल्लाह के सारे अहकामात को नाफिज करना ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। खलीफा अहकामात के नाफिज करने में जिसका नायब होता है वो उससे अलग मुनहरिफ होकर के कोई काम नहीं करता है, नंबर एक।
नंबर दो, जो अहकामात उन्हें दिए जाते हैं उन अहकामात को ईमानदारी का तकाजा ये है कि मिनोआन वैसे ही नाफिज करे जिसका वो नायब है और जिसकी जानिब से उसे ये हुक्म दिया गया है कि उन चीज़ों की तनफीज वो करे। चुनांचे आप अंबिया किराम की तारीख में देखें कि किसी नबी ने भी अल्लाह के हुक्म की तनफीज में ना तो कोताही की और ना उसकी तनफीज में किसी कमी बेशी के वो शिकार हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतक। ए रसूल, आप अल्लाह के पैगाम को जितना जो कुछ जैसा नाजिल किया गया है उसकी तकमील और उसकी तनफीज, उसकी लोगों तक पहुँचाने का काम, उसकी शहादत का काम पूरा का पूरा करिए। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतक, और अगर इसमें कोई कमजोरी आपसे होती है तो गोया की रिसालत की तबलीग में, पैगाम इलाही को पहुंचाने में आप कोताह होते हैं, खाइन कहलाएंगे। फमा बल्लग रिसालत, आपने अल्लाह के पैगाम को जैसे पहुंचाया ही नहीं, सिरे से आपने अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी कर दी। ये कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात कहता है और अल्लाह ताला जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हैं तो गोया कि इसका मफहूम ये है कि अल्लाह के दीन को, कुरान के अहकामात को, अल्लाह के अहकामात को मुकम्मल तौर से पूरा का पूरा पहुंचाना, उसकी तबलीग करना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। ये खलीफा होने की हैसियत से पहली बात तो ये हमें अपने दिमागों में रखनी चाहिए। दूसरी बात जो इस सिलसिले में और खलीफा होने के सिलसिले में कभी लोगों ने इख्तलाफ किया है कि खलीफा यानी हज़रत आदम को खलीफा अल्लाह का नायब ना मान करके कुछ लोगों ने ये कहा कि खलीफा का मतलब ये है कि एक दूसरी मखलूक का, इससे पहले एक मखलूक गुजर गई थी उसके बाद ये दूसरी मखलूक इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया तो अपने पहली यानी हमसे पहले जो मखलूक आई थी उसका खलीफा हमको बनाया गया है, नायब बनाया गया है। लेकिन मुफस्सरीन में से पिछले यानी पुराने ज़माने के मुफस्सरीन मुतकद्दमीन भी, उनमें से भी बड़ी तादाद और आज के ज़माने के 19वीं सदी और 20वीं सदी के मुफस्सरीन की बड़ी तादाद है जिन्होंने खलीफा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है निजाइन फिलहाल खलीफा, इस खलीफा का मफहूम उन मुफस्सरीन ने जो लिया है उनमें से पिछले मुफस्सरीन में इमाम बगवी हैं, तफसीर खाजिन के क्या कहते हैं मुफस्सिर हैं, तफसीर जलालैन में, तफसीर बैदावी में और इसी तरह रूहुल मानी में, और उसके बाद ये 19वीं और 20वीं सदी में बहुत ही मशहूर मुफस्सिर इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन लोगों ने इस बात को बहुत वाज़े तौर से बयान किया है कि ज़मीन की आबादी लोगों के लिए सियासत की अंजाम दही यानी उनके तमाम उमूर व मामलात का इंतज़ाम व तदबीर करना, उनके यानी लोगों के नफूस की तजी क्या कहते हैं कि तज़किया और उनकी तकमील, अल्लाह के शरई फैसलों की तनफीज और हुदूद इलाही की इकामत के लिए उम्मत मुस्लिमा को, इंसानों को अल्लाह ताला ने अपना नायब बना करके भेजा है। ये बात मुफस्सरीन ने बहुत वाज़े तौर से लिखी। एक दूसरी बात, इकामत दीन में अल्लाह के पूरे दीन को इस धरती पर नाफिज करना और उसके लिए सर धड़ की बाजी लगाना, उस सिलसिले में हम मुसलमानों को जो रहनुमाई मिलती है ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके सिलसिले में जो कुरान की आयात नाजिल हुई हैं, जो सूरह सफ की आयत है, इसी तरीके से सूरह तौबा की आयत है, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जगहों पर आयतें नाजिल हुई हैं और मफहूम उनका बिल्कुल वाज़े है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ यानी इस्लाम के साथ अपने दीन के साथ लोग भेजा है, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो रसूल इस दीन को दूसरे तमाम ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों पर, इंसानों के खुद साख्ता अपने हाथों से बनाए हुए तरीक़ों के ऊपर अल्लाह के इस बनाए हुए तरीक़े को, नाजिल करदा तरीक़े को गालिब कर दे, वलो करे हल मुशरिकून, मुशरिकों को ये बात चाहे कितनी नागवार क्यों न हो। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इस आयत के आखिरी टुकड़े में ये बात फरमाया वकफ़ा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह ताला इस बात की गवाही के लिए खुद काफ़ी है कि ये दीन
इस धरती पर गालिब होने के लिए आया है और रसूल को भेजा इसलिए है कि इस सरजमीन पर, इस कायनात पर अल्लाह ताला के दीन को और अहकाम को नाफिज करे वो रसूल, और इस बात की गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है। सारी दुनिया मुखालफत पर आ जाए, सारी खुदाई मुखालफत पर आ जाए, लेकिन अगर अल्लाह किसी बात की गवाही देता है तो किसी मुसलमान को, मोमिन कामिल को, मोमिन सादिक को ज़रा भी तामुल नहीं होना चाहिए बात कहने में कि मेरा रब, मेरा अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस ड्यूटी पे मेरे रसूल को मामूर किया था अल्लाह ने और जिस ड्यूटी पे हमें मामूर किया गया है उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द होने की हैसियत से, उसमें अगर कोई शक करता है, वो कितना बड़ा अल्लाह मतदहर हो, मुतबाहिर आलिम हो या जैसी भी सलाहियत का मालिक हो, अल्लाह गवाही दे रहा है, हमारे लिए अल्लाह की गवाही काफ़ी है। ये बहुत महकम आयत है इस सिलसिले में कि जिस रसूल को भेजा इसलिए गया था कि वो अल्लाह के दीन को, निज़ाम ज़िंदगी को, तरीक़े ज़िंदगी को, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े को सारी दुनिया के ऊपर नाफिज कर दे, वो रसूल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज करके भी दिखाया। एक और पहलू से सोचने की बात है, अगर कोई ये एतराज़ करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों के करने को कहा है तो कोई ये कह दे अगर कि वो सारी बातें करना ज़रूरी नहीं है, या जिन कामों को आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है उन सारे कामों को करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम समझते हैं कि एक आम मुसलमान भी ये बात कहेगा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। और जब अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है तो अल्लाह के रसूल में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नमूना नहीं है, अल्लाह के रसूल में सिर्फ इबादत के तरीके में नमूना नहीं है, अल्लाह के रसूल में कुछ चीज़ों में नमूना और कुछ चीज़ों में नमूना आपकी ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर से सारी इंसानियत के लिए नमूना है। और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा नमूना ये है कि जिस दिन से आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया उस दिन से लेकर के आखिरी दम तक इस दीन को गालिब करने और इस दीन को कायम करने के लिए आपने सर धड़ की बाजी लगाई, इसके लिए आपने जो जमात तैयार की उस जमात के हर फर्द ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी और जानो माल की कुर्बानी देने के साथ साथ कभी कभी फख्र के साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया। हज़रत हमज़ा का वो नाम जब याद आता है तो दिल एक तरफ से हौल में आता है कि उन्होंने चार बेटों को इस दीन को कायम करने के लिए अल्लाह के रास्ते में शहीद करवाया, और जब उन्हें ये खबर हुई कि चारों बेटे शहीद हो गए तो उनको जो खबर होने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह तू गवाह रह, मैंने अपने तेरे दीन के लिए और तेरे दीन की अकामत के लिए, तेरे दीन की नुसरत के लिए चार बेटों को शहीद किया है, करवाया है, तेरे दरबार में हाजिर होंगी तो मैं चार बेटों की शहीद, चार शहीद बच्चों की माँ कहलाऊँ, मुझे ये एजाज़ जन्नत में मुझे मिले, तेरे दरबार में मुझे मिले, ये फख्र हासिल हो जाए मुझे। ये सहाबा की और सहाबियात की जो टीम तैयार की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जाफिशानी और इतनी मेहनत के साथ, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्मों पे जख्म बर्दाश्त किए और आपके ऊपर न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए दुश्मनान इस्लाम ने, अल्लाह के दीन और अकामत दीन के रास्ते में जो सोबतें और परेशानियां झेलनी पड़ी, उन परेशानियों को अगर एक जुमले में कुरान की आयत में कहा जाए तो वो ये है कि जब उनके ऊपर मुसीबतें आई और उनको झिंझोड़ दिया गया, वजुल जिलू, यहाँ तक कि रसूल और वो लोग जो उनके साथ थे वो सब कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अला इन्ना नसरल्लाह करीब, सुनो अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये जाफिशानी करके लोगों ने अकामत दीन, सहाबा किराम ने अकामत दीन की ये कुर्बानियाँ दी हैं। तो मोटे तौर पर ये बात बुनियादी तौर पर ये याद रखनी चाहिए कि अकामत दीन हमारे ऊपर फ़र्ज है और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है, पूरी ज़िंदगी का उस्वा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का निचोड़ और ख़ुलासा है, जिस खुलासे पर हमें अमल करना है। एक तीसरी बात इस ज़िम्न में और याद रखने की है कि इससे पहले, यानी पुराने मजीद से पहले जितनी किताबें आसमानी नाजिल हुई हैं, आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने कई बार दोहरा करके कहा है अहले किताब को, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शय हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, यानी ए अहले किताब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम बेवकात और बेहैसियत हो,
बेहैसियत हो लस्तु आला शय हत्ता तुकीम तौरा, यहाँ तक कि तौरात और इंजील में जो अहकाम अल्लाह ताला ने नाज़िल किए हैं उन सबको तुम अपने अपने ज़माने में नाफिज कर दो, इस धरती पर इंसानों के दरमियान उस पैगाम को पहुँचाओ, उसकी तबलीग करो, उसको कायम कर दो। यकामत का लफ्ज़ तुकीमों का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, गोया कि इससे पहले जो आसमानी किताबें और जिससे पहले जो अंबिया कराम आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उन अंबिया कराम के ऊपर भी ये जिम्मेदारी थी। और अगर तौरात के किसी हुक्म को अगर कोई नाफिज नहीं करता है तो अहले तौरात की कोई हैसियत और कोई वक़्त नहीं है। चुनांचे ये बात मुसल्लम है और हम सब जानते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया की वजूद से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, अहले किताब यानी यहूद और नसारा इस दुनिया की इमामत के फरीजे पर, सियादत और इमामत के जिम्मेदारी पर फायज थे वो लोग। लेकिन जब उन्होंने ये मामला किया कि तौरात के अहकाम को नाफिज करने के बजाय उनके आयात को बेचना शुरू किया और पैसों से तोलना शुरू किया और गड़बड़ करना शुरू किया, तो इस इमामत और सियादत के फरीजे से उनको माफूर किया गया और उम्मत मुस्लिमा को इस अहम और मुकद्दस तरीन जिम्मेदारी से सरफराज फरमाया गया। ये एजाज है इस उम्मत का कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सरफराज फरमाया है इमामत की जिम्मेदारी से और पिछली कौमों को माजूर किया इस जिम्मेदारी से। अगर ये उम्मत भी और इस उम्मत के चंद अफराद, कुछ अफराद मखसूस अफराद हर खत्ते और हर इलाके में इस जिम्मेदारी को अंजाम देने से कोताही बरतते हैं तो गोया कि पूरी की पूरी उम्मत मिन हैसुल उम्मा कोताही के जिम्मेदार होंगे। और जैसे पिछली उम्मतों को पूरी उम्मत होने की हैसियत से इस जिम्मेदारी से कोताही करने की वजह से माजूर कर दिया गया था, इस उम्मत को भी माजूर कर दिया जाएगा। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम थोड़े से लोग मुल्क नेपाल में जो ये जिम्मेदारी अंजाम देने का अहद करके आगे बढ़े हैं, अगर हम भी सो गए, मुरझा गए, हमारे आजा पस्त हो गए, हमारे जवारे हमारे सोच और फिक्र का साथ नहीं दे रहे और इस फरीजे की अंजाम दही में कोताह रवि के शिकार होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस मुल्क की पूरी उम्मत सोई हुई है और हम भी सो जाए और पूरी उम्मत के ऊपर ये दाग लग जाए, ये पट्टा लग जाए कि अकामत दीन के फरीजे से ये उम्मत गाफिल हो गई और सफ़े हस्ती से हमें हटा करके अल्लाह ताला दूसरे लोगों को ले आए, दूसरी कौम को लेकर के आए, हमारी इसी उम्मत में से दूसरे लोगों को लेकर के आए जिनके ज़रिए से इस फरीजे की अंजाम नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये बहुत बुनियादी बात है, इसकी तरफ हमें ध्यान में रखना चाहिए ये बात। और अगर इस जिम्मेदारी को हम अंजाम देते हैं, अगर पिछली कौमों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया और इस उम्मत के लिए भी ये हुक्म है कि वलो अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलु मिन फौकिहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम, सूरह अल-माईदा की 66 नंबर आयत है कि अगर ये लोग तौरात और इंजील के अहकाम को नाफिज करते, वमा उन्ज़िला इलैहिम, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से इनके पास नाजिल किया गया है, उम्मत मुहम्मदिया के पास कुरान मजीद की शक्ल में जो कुछ नाजिल किया गया है, अगर इन चीज़ों को नाफिज करते रहते, लअकलु मिन फौकिहिम, तो वो आसमान से रोजियां पाते और उन्हें वो खाते, वमिन तहति अर्जुलिहिम, उनके पैरों के नीचे से अल्लाह ताला रोजी निकालता उबालता और उन रोजियों को वो पाते, अल्लाह की रिज़्क को पाते और उसे वो खाते और फरावानी के साथ जिंदगी गुजारते। ये गोया कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की अनायत, जो हमें खौफ लाहक होता है इस रास्ते में चलने से फकीर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, बच्चे मोहताज हो जाएंगे, कशकोल गदाई लेकर के हमें घूमना पड़ जाएगा और न जाने जिंदगी में क्या क्या हमें मसाइल और परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, जानो माल का खतरा है, अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाता है कि अगर अल्लाह के अहकामात की तनफीज के लिए कोशिशें करते हैं उम्मत मुस्लिमा के लोग, पिछली कौमों के लिए भी ये बात थी, अगर उन लोगों ने भी अल्लाह के अहकाम की तौरात में जो कुछ नाजिल किया गया था उसकी तनफीज की होती और आज भी उम्मत मुहम्मदिया अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल बिना कमोकाज तनफीज करती है, तो लाअकलू, तो उनको आसमान से उन्हें रोजी मुहैया की जाती और उनके पैरों के नीचे से रोजी मुहैया की जाती। आप तसव्वुर करें, एक तो धरती पे अल्लाह ताला की रोजी मौजूद है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने ये इस्तेलाह इस्तेमाल किया है कि उनके पैरों से रोजी मिलती, पैरों के नीचे से, गोया कि अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए हमारे निकलने की वजह से अल्लाह ताला हमारे हर कदम के नीचे हमारे लिए रोजियां मुहैया करवाता है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, खास फजल है अल्लाह ताला का, जो इकामत दीन के रास्ते में जो लोग कुर्बानियां देते हैं, मेहनतें करते हैं, ये उनके लिए अल्लाह ताला की जानिब से इनाम है।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह मुतअद्दिद जगहों पे ये बात नाज़िल फरमाई, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल फासिकून, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल ज़ालिमून, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा अहकामात की बुनियाद पर फैसले नहीं करते हैं, उसकी तनफीज की कोशिश नहीं करते हैं, तगादो नहीं करते हैं, ये फासिक है, ये जालिम है, ये काफिर है। हम कुरान मजीद के हामिलीन कुरान है हम, और कुरान मजीद की आयतों को हम पढ़ते हैं, और उसके बावजूद भी शऊरी तौर पर अल्लाह ताला के अहकामात को इस धरती पर नाफिज करने की हमारी कोशिशें नहीं होती हैं, तो बताइए फासिक का लफ्ज किनके ऊपर साबित आएगा, जालिम का लफ्ज किनके ऊपर साबित आएगा? कहीं खुदारा ऐसा ना हो कि हमारे अपने कारनामों की वजह से हमारे ऊपर ये अल्फाज जज्बा हो जाए और हम अल्लाह की निगाह में फासिक, हम अल्लाह की निगाह में जालिम कहलाएं। ये आयात भी हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि अकामत दीन के लिए कुर्बानी देना, दावीशानी करना, मेहनतें करना, दिन रात की मशगूलियात मसरूफियात को इसी फरीजे की अंजामदही के लिए मुरतब करना, और उसके लिए अपने जानो माल को सब कुछ सेज करके लगाना अल्लाह के रास्ते में, ये मतलूब है अल्लाह ताला को, इससे ये बात समझ में आती है। और वो आयत जो मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ी थी, इशारा अला कुमिन दीन मा वस्सा बिही नूहा, वो पूरी आयत हमारे निगाहों के सामने रखनी चाहिए। उलुल अज़्म अंबिया किराम का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन उलुल अज़्म अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगा करके कुरान ने वाज़ेह किया कि अंबिया किराम ने ये जिम्मेदारी और ये फरीजा अंजाम दिया। ये फरीजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी था, और उसी फरीजे को अंजाम देना इस उम्मत मुहम्मदिया के फर्द होने की हैसियत से और तहरीक इस्लामी के जिम्मेदार होने की हैसियत से हमारे ऊपर भी ये फरीजा आयद होता है, इस फरीजे को हम लोग अंजाम दें। कुरान मजीद में उम्मत मुहम्मदिया को तो बार बार टारगेट किया है। मैं वो दो आयतें, तीन आयतें आपके सामने रखता हूँ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने तुम्हें एक मेयारी उम्मत बनाया है, ये दुनिया की तमाम उम्मतों में हम मेयारी उम्मत हैं, ताकि लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम अल्लाह की जानिब से अल्लाह के अहकामात के गवाह बन जाओ लोगों के ऊपर, लोगों के सामने ये गवाही तुम पेश कर दो। वयकून अर्रसूल शहीदन अलै, वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में ये गवाही ली थी 100,000 से ज्यादा सहाबा किराम से कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर से पहुँचा दिया। और जिस वक्त यह आयत नाजिल हुई थी, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, दीन मुकम्मल हो गया, नियामत पूरी हो गई, और दीन इस्लाम को तमाम दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। ये सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दीन को पूरे तौर पर क्या तुम लोगों तक पहुँचा दिया, अला हल बल्लग्त, क्या मैंने पहुंचा दिया? लोगों ने कहा, सहाबा किराम ने कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह आप गवाह रहिए कि ये सहाबा किराम की जमात ने ये गवाही दी है कि मैंने दीन इन तक पहुंचा दिया बगैर कमी पेशी। हमारी ये जिम्मेदारी ये है कि हम अपने समाज और अपने मुआशरे में, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस खत्ते में हम रहते हैं, उस खत्ते के हर फर्द तक ये आवाज़ और ये पैगाम पहुंचा दिया जाना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिन आएगा कि अल्लाह का ये दीन और अल्लाह का ये कलमा किसी सहरा में रहने वाले, किसी झोंपड़ी में रहने वाले इंसान और किसी जंगल में रहने वाले, बसने वाले किसी इंसान की झोंपड़ी में ये कलमा और ये दीन पहुँचेगा। अब जिम्मेदारी हमारी है कि उस पहुंचाने वाले में हमारा कुछ हिस्सा है या हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है, अल्लाह ताला दूसरों के जरिए से जिम्मेदारी अंजाम दिलाता है, ये सोचना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फरीजा है कि हम इस पर गौर करें। हमें तो अल्लाह ताला ने इस बात के लिए पैदा ही किया है, कुन तुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा किए गए हो। हमें खाने पीने और लवाजिमात जिंदगी की तैयारी के लिए बर्पा नहीं किया गया है, बल्कि हमें बर्पा किया गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से लोगों को रोकते हो। इस काम के लिए तो हमें अल्लाह ताला ने बर्पा ही किया है, इकामत दीन के लिए, फरीजे इकामत दीन के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है, पसंद फरमाया है। और फिर उसके बाद भी अल्लाह ताला की पसंद को हम ठुकराना चाहते हैं, तो ये तो हमारे स्वभाव की और अखलाक की बात है और हमारे जर्ब की बात है। जो मुकद्दर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, तकदीर बनाने वाले ने कुछ भी कमी नहीं की, अब हमें क्या मिलता है हमारी तकदीर की, हमारे मुकद्दर की, हम उसमें से कितना हिस्सा ले पाते हैं और इस दीन के लिए हमारी कितनी कुर्बानी लग पाती है, ये हमारे जर्ब की बात है, हमारी तकदीर की बात है।
और इसके बाद अब मैं चंद क्या कहते हैं कि जुमलों में तीन चार पांच बातें आपके सामने इस हैसियत से रखना चाहता हूं कि अब हमारी जो ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि शौरी तौर पर अपने दिल की आगाही के साथ, पूरे शौर के साथ, दिलो दिमाग हाजिर कल्बी के साथ इस बात पर यकीन रखें ये अतामत दीन फर्ज है और ये फरीजा हमारे कानों पर है। तहरीक इस्लामी के क्या कहते हैं कि फर्द होने की हैसियत से हमारे कानों पर सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी अकामत दीन के फरीजे की अंजाम दही है और इस काम को अंजाम देना हमारी जिंदगी की पहली तरजीह होनी चाहिए। इस काम को अंजाम देना हमारी जिंदगी की पहली तरजीह होनी चाहिए। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी के जो बहुत सारे काम हैं, यानी मईशत है, रोजी कमाना है, बाल बच्चों को पालना है, मुख्तलिफ काम है, ये सारे काम तो अल्लाह ताला के यानी जिम्मे में है कि रोजी अल्लाह ताला पर देगा हमें। वो एक हदीस है, बहुत मारूफ हदीस है कि माँ के पेट में बच्चा का जनीन जब रूह फूंकने के लिए फरिश्ते को अल्लाह भेजता है तो वहां पर उसकी रूह फूंकने के साथ साथ अल्लाह ताला ये तय करता है कि उसकी उम्र कितनी होगी, ये भी तय करता है कि उसकी रोजी कितनी होगी और कहाँ से उसे रोजी मिलनी है। अल्लाह ताला वो रोजी उसे मुहैया फरमाएगा और अल्लाह ताला ये भी तय करता है कि वो शकी होगा, नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, ये भी अल्लाह ताला तय करता है। हमारे हिस्से की रोजियां अल्लाह की जानिब से मुतय्यन है, वो हमें मिल के रहेंगी, लेकिन जो हमारे ऊपर फर्ज है उस फरीजे की अंजाम दही को अगर हम दूसरे तीसरे चौथी तरजीह पे अगर हम रखते हैं तो गोया कि अल्लाह ताला की जानिब से एक मुतय्यन फर्ज और ड्यूटी से हम लोग कोताही कर रहे होते हैं, सरफे नजर कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरा अहम काम शोर के साथ साथ तरजीहात तय करने में इसको पहली तरजीह में पूरा करना चाहिए और उसके बाद ठीक है, उसके बाद हलाल रोजी कमाना, अपने बाल बच्चों की परवरिश और किफालत करना, ये भी हमारी जिम्मेदारियों में से है, लेकिन ये पहली जिम्मेदारी, पहला फर्ज है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। एक तीसरी चीज जो इस सिलसिले में इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भी जाती मफादात के मुकाबले में इकामते दीन के मफाद को अव्वलीन तरजीह हासिल होनी चाहिए। हमारे जाती अपने इंटेंशंस जो भी हो सकते हैं, अपनी जो जरूरियात हो सकती हैं, जो अपने जाती मफादात हो सकते हैं और इज्तिमाई जो मफादात हो सकते हैं, इज्तिमाईयत का फायदा ये इज्तिमाईयत के लिए ये सारे काम होने चाहिए, लेकिन इन सारे कामों का महवर और मरकज होना चाहिए इकामत दीन। जमात जितने भी काम करती है अगर उन कामों से इकामत दीन के फरीजे की अदायगी में सपोर्ट मिलता है और वो तरजीही तौर पर उसको पुशअप मिलता है तो गोया कि जमात अपने उसूल पे कायम है, अपने नस्बुलायम पे कायम है इज्तिमाई तौर पर, और हमारी इंडिविजुअल लाइफ की सारी एक्टिविटीज के जरिए से इकामत दीन के काम में ताउन मिलता है तो गोया कि हम अपनी तरजीह तय करने में और अपने मफाद की तरजीह तय करने में हम बजानिब हैं, अदरवाइज हम लोग उससे गाफिल हो जाएंगे। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज वो ये कि हम इस काम के लिए अपनी सर धड़ की बाजी लगाए, जरूर हो हमारे अंदर जुनून इस हद तक हो कि लोग कहें कि इन्नहु सुफहा, ये तो पागल है, मजनून है, दीवाने हैं जो अपने मकसद से जरा भी नहीं हटते हैं और इस मकसद के लिए दिन रात लगे रहते हैं, ये खप्ती की तरह से इस काम में लगे रहते हैं, ये जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और इस जुनून के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देंगे, अल्लाह ताला हमारी इस धरती को हमारे लिए नियामतों का अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अंबार अल्लाह ताला हमारे लिए लगा देंगे, लनहदियन्नहुम सुबुलना, बहुत सारे रास्ते अल्लाह ताला हमारी हिदायत के और हमारे जफरियाबी और कामयाबी को खोल देगा, ये अल्लाह ताला की जानिब से है। पांचवी चीज ये है कि इस काम को करने के लिए छोटा काम नहीं है, अल्लाह की इस कायनात पे या हमारे इस मुल्क में अपने मुआशरे और सोसाइटी में अल्लाह के दीन को नाफिज करना है, इसके लिए मजबूत इज्तिमाईयत चाहिए और उस मजबूत इज्तिमाईयत की हर लड़ी मोती में जैसे क्या कहते हैं कि हार में जैसे मोतियां पिरोई रहती हैं और जुड़ी रहती हैं, हर लड़ी हम एक लड़ी हैं हार की और सारी लड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की हालत में जब रुस्तम ने देखा तो रुस्तम ने कहा कि उमर ने तो मेरा कलेजा चबा दिया, उसने क्या कहते हैं कि बदुओं को और खाना बदोशों को आपस में लड़ने झगड़ने वालों को ऐसी लाइन में सब बंदी कर दी है कि कहीं से कोई रखना नजर नहीं आता कि कहाँ से तीर मारे और कहाँ से खंजर मारे और कहाँ से नश्तर जनी करें। हमारी जमात में ये तालमेल, ये कोऑर्डिनेशन, ये डिसिप्लिन, ये नज्म,
ये मरबूतियत, ये ربط हमारे दरमियान होना चाहिए, मजबूत जमात, मजबूत डिसिप्लिन के साथ और पूरी फ़ालियत के साथ हमें काम करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है बड़े अजीम फरीजे को अंजाम देने के लिए, ये हमारा फरीजा है जिसको हमें करना चाहिए। और इसके लिए जो तरजीहात हमारी हो सकती हैं उनमें से बुनियादी तौर पर नंबर एक, दावत का काम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जमात की पहली तरजीह दावत होनी चाहिए, दूसरी तरजीह उम्मत मुस्लिमा को इस फरीजे से जोड़ने के लिए उनको शौरी तौर पर आगाही फराहम करना, उनकी इस्लाह करना, उनकी हर क्या कहते हैं दीन का जो तसव्वुर है, जो तसव्वुर इकामत दीन का हम समझते हैं, उस तसव्वुर को लोगों तक पहुँचाना मुसलमानों तक, ये दूसरी तरजीह हमारी होनी चाहिए। और तीसरी तरजीह हमारी होनी चाहिए अफराद साजी का काम। जमात और तहरीक ठुठर के मर जाएगी अगर कोई इंसान, अगर बुढ़ापे तक उसे कोई औलाद नहीं होती है। अंबिया इकराम ने भी जब जिस नबी को औलाद नहीं हुई तो बुढ़ापे में उन्होंने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे सारे ज़ुर्रियत अनायत फरमा दे ताकि मेरे बाद यारे सुनी जो मेरे बाद मेरी वारिस हो और तेरे दीन की नश्र व इशाअत के लिए वो फरीजा और ये जिम्मेदारी अंजाम दे। अगर तहरीक इस्लामी के लोग अगर आने वाले पसरों को तैयार नहीं करते हैं, अफराद साजी के काम नहीं करते, अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, अपने आस पास के नौजवानों को तैयार नहीं करते हैं, सारे फिक्र और कायदे और फिक्र से लैस नहीं करते हैं, तो फिर हम लोगों के गुजरने के बाद इस तहरीक की इस बागडोर को कौन संभालेगा, इस जिम्मेदारी को, इस फरीजे को कौन अंजाम देगा। तो अफराद साजी का काम हमारे लिए तीसरी तरजीह में इंतहाई जरूरी है। चौथी तरजीह में मैंने रखा है तालीम को, एजुकेशन में हम मुसलमानों को बहुत तेजी से रैपिड ग्रोथ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस फरीजे को अंजाम देने के लिए हम लोग डोमिनेट करें। आने वाले दिनों में मुसलमान इल्म की बुनियाद पे डोमिनेट करे, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया तो इल्म की बुनियाद पे, इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया, तो इल्म की बुनियाद पे हम लोग डोमिनेट करें। यह आखिरी बात जो मेरी थी, और उसी के साथ साथ ये लीडरशिप की तैयारी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि लीडरशिप कैडर बे जमात हमेशा हर जमाने में लीडर्स तैयार करने की कोशिश करती है, हमें लीडरशिप की तैयारी भी करनी चाहिए। ये इकामत दीन के मुतालिक जो उसका मफहूम था, जो मेयार मतलूब है और उसके लिए जो हमारी कोशिशें हो सकती हैं उससे मुतालिक कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ताहयात इस इकामत दीन के फरीजे की अंजाम दही के लिए मुंतखब फरमा ले और हमें इस फरीजे को अंजाम देने के लिए हर हाल में हमें कोशिश करने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिनों में जो सरबस्ता राज है और जो हमारी ख्वाहिश है तेरी ना कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, हमें उस जिम्मेदारी को अंजाम देने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। वाफ़ुल दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।